बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक रिसीव हुई तो सुबह से 2-3 बार लगा चुकी हूँ एंड लुक एट द शेड, बिल्कुल भी मतलब ऐसा वेट नहीं लग रहा मुझे अपने लिप्स पर और बहुत ही लाइट वेट और इस शेड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। होल मेकअप करके बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ये वाला शेड, दिस इज प्लम शेड। शेड मैंने तोड़ ली, नहीं, बच गई है। ओके यही होता है ओवर एक्साइटमेंट में, सो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना भी बेकार ही है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है बिल्कुल भी। और अभी क्या कर रही हूँ मैं कर रही थी कट एंड स्टिच के लिए शूट। मेरा सेटअप यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, लूसी उसमें ध्यान रख रही है कि कोई भी कपड़ा इधर से उधर नहीं हो जाए। ये देखिए तो कुर्ती कटिंग हो रही है, ये इसका सलवार का फैब्रिक है जिसको मैं कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करने वाली हूँ। सारा सेटअप हो रखा था, बाय द वे मुझे ये लिपस्टिक रिसीव हुई सो आई थॉट कि नहीं मुझे ये लगा के देखनी है, सो आई थॉट कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। हाँ भाई, अरे अरे साहिल आया तुरंत देखने लग गई, देखो जरा। और मम्मी ने लगाई है आज मशीन, आज कपड़ों की वॉशिंग डे है, वॉशिंग मशीन डे है, सो बस यही सब चल रहा है। और आज जो हम लोग एक जगह पे भी जाने वाले हैं तो उसका अपडेट मैं थोड़ी देर बाद दूंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने ये कपड़ा नहीं कट किया तो ये उड़ जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा फैन चला दिया मेरे भाई ने अभी आया तो। सो चलिए कर लेती हूँ मैं इसकी कटिंग कंप्लीट, उसके बाद मैं मिलती हूँ। थक गई मैं यार सच में, ये सलवार बन गई है एंड राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस, सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है एक्चुअली में। ये देखें इस तरीके से, तो मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ इस तरीके। हीरे मोती मिट्टी ने तेरे अगे जिवें परछावें। और वीडियो भी शूट कर लिया है मैंने, और बहुत जल्द इसकी वीडियो भी मैं एडिट करके अपलोड करूंगी, क्योंकि जो सिलाई वाली वीडियोज होती है ना उसको एडिट करना, ओ माई गॉड, उसमें वॉइस ओवर भी होता है बहुत जगह पर, कटिंग शटिंग वीडियो में लेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें, सो इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वीडियोस थोड़ी थोड़ी लेट जाती हैं। सो ये हो गई रेडी, अब मैं खुद भी रेडी होने जा रही हूँ। वैसे तो मैं नहा ली थी, ये शूट करने के लिए मैंने वाइट सूट पहना था, बट मैं अभी एक चिकनकारी कुर्ती मतलब सूट पहनने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड यार कि कैसा होता है, क्या मिलता है, क्या लेते हैं। तो मैंने फटाफट से चेंज कर लिया है एंड अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, तो हम लोग साथ में रेडी होते हैं। और एक चीज दिखाती हूँ आपको, बहुत ही क्यूट है, लुक एट दिस, हाउ क्यूट शी इज, बहुत प्यार से सो रही है माशाल्लाह। दुआएं करिए बस लूसी के लिए, एकदम प्यार से सो रही है, बहुत ज्यादा गहरी नींद में इस टाइम पे है। आजकल लूसी इतना सोती है कि पूरे टाइम जब भी उसे देखोगे ना बस खाना खाने के लिए उठती है, वो ऑल टाइम सोती रहती है। अच्छा जिस क्या कैट है मुझे बताइएगा कि क्या इस टाइम पर ऐसा ही होता है, उन लोगों को ऐसा फील होता है, आई डोंट नो। सो अभी हम लोग ये कैमरे का जो एंगल है इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरी जो डबल चिन है ना वो एग्जैक्ट अच्छे से नजर आए आप लोगों को। एनीवेज अभी हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं है, तो डेली सॉर्ट ऑफ हम मेकअप करेंगे लाइक जो 5 मिनट के अंदर हो जाए फटाफट वाला। सो उसके लिए आई एम यूजिंग लाइक अभी मैंने मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, नेक्स्ट आई एम यूजिंग मामाअर्थ का ग्लो हाइड्रेटिंग कंसीलर, और ज़्यादा नहीं है तो फटाफट वाला ही है, तो थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे जहाँ पे भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में हम थोड़ा सा फाउंडेशन भी लगाने वाले हैं। एंड गाइज ये कंसीलर इंडिया का फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड कंसीलर है एंड सारे ही प्रोडक्ट्स मामाअर्थ के प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, तो कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, कोई भी टॉक्सिन्स नहीं होते हैं। मतलब अपने हाई पॉइंट्स पे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ इसे इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत ही कम अमाउंट में लगाया है मैंने। सो इसको फिंगर से या फिर ब्रश से या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो रहा है गाइस। अच्छा ये वाला मैंने फिंगर्स से ब्लेंड कराया एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया, लग ही नहीं रहा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब इस वाले पार्ट को हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं।
एक्सीलेंट ब्लेंडिंग है इसकी गाइज, एकदम नेचुरल ल्यूमिनस फिनिश देता है ये, 100% स्पॉट कवरेज है, प्लस 12 आवर्स हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। क्लिनिकली टेस्टेड है कि ये सारे ही इंडियन स्किन टोन्स को अच्छे से सूट कर जाएगा। ऑल्सो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड मेड सेफ सर्टिफाइड भी है। मैंने बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड दोनों ही साइड्स बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप दिख रही हैं, मुझे तो कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा। आप लोग बताना कि कोई डिफरेंस लग रहा है या नहीं। इस साइड में मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाया था क्योंकि मुझे लगा कि सारा ब्यूटी ब्लेंडर में ही चला गया है। सो अभी मामाअर्थ ने ये 3 शेड्स में लॉन्च करा है। मेरा जो शेड है वो है 02 क्रीम ग्लो एंड दिस वन इज आइवरी ग्लो। तो अगर आप मेरे शेड से थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट हैं या फिर फेयर हैं तो आप आइवरी ग्लो के लिए जा सकते हैं। ये दोनों शेड्स जो बाकी के 2 शेड्स हैं 03 न्यूड ग्लो, ये दोनों ही शेड्स इंडियन स्किन टोन के लिए बेस्ट हैं। एक्चुअली में तीनों ही शेड्स इंडियन स्किन टोन्स के लिए बेस्ट हैं। सो ये अप्लाई करने के बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फाउंडेशन। और डेली यूज के लिए ये वाला फाउंडेशन बेस्ट है, दिस इज मामाअर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन। और इसका रिव्यू मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो इसमें है विटामिन सी एंड टर्मरिक। इसको भी फुल फेस पर आप चाहे तो डायरेक्टली भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने कंसीलर लगा लिया था, उसको भी यूज़ करने के बावजूद कहीं कहीं पे ना ऐसे पैचेस रह जाते हैं, तो आपको फाउंडेशन यूज़ करना है इफ़ यू वांट टू। बट अगर आपको नहीं पसंद इतना ज़्यादा तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। इसको मैंने ऐसे अप्लाई कर लिया। डोंट फॉरगेट योर नेक वाला पार्ट, तो नेक वाले पार्ट पे भी सेम आपको लगाना है। एंड इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों में ही विटामिन सी एंड टर्मरिक है। विटामिन सी एक ट्रस्टेड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि रेडिकल डैमेज से फाइट करता है, प्लस आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। प्लस इसमें है टर्मरिक, तो टर्मरिक आप लोगों को पता है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं उसमें, जो कि एकदम नेचुरल ग्लो आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। तो बहुत अच्छे से मैंने देखें ब्लेंड कर लिया है। इट लुक्स लाइक योर सेकेंड स्किन, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लगाया हुआ है अपने फेस पर। इसलिए मैं कहती हूँ आप डेली बेस पर ना इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, केकी नहीं होगा, क्रीज नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस फाउंडेशन में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब इसको आप सेट कर लीजिए एंड येस, मामाअर्थ इज़ प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़। और अब थोड़ा सा ब्लश लगा लेंगे। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो इनके लिंक्स आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे तो ये आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा एंड मामाअर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑल्सो मामाअर्थ की ऐप पे भी मिल जाएगा। अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी सारे डिस्काउंट्स आपको पहले ही पता चल जाएंगे एंड ऑल्सो आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ *2022, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी आप लोगों को। ऑल्सो मामाअर्थ हैज़ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव ऑन, तो दे एम कि 2025 तक ये लोग 1 मिलियन प्लांट्स ग्रो करेंगे। जब भी आप अपना कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं इनकी ऐप से या फिर वेबसाइट से, ये लोग आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। तो या आप लोगों को इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अगर आपको लेना है तो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही लाइट पिंक कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ, हो सकता है इसके ऊपर मैं कोई न्यूड लिपस्टिक भी लगा लूँ, आजकल मुझे न्यूड कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। ओके गाइज, सो अब थोड़ा सा यहाँ पे आईज़ के ऊपर काजल वाजल लगा लेते हैं। आईब्रो कौन ही करेगा इतनी गर्मी में। सो काजल लगा लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ मैं फुल रेडी होने के बाद। एंड हमारी लूसी फलक से उतरकर ज़मीन पर आ चुकी हैं, पूरा खाना फिनिश कर चुकी हैं। और इनकी सोने की चेन तो देखो ज़रा, इनकी चेन ही चेंज होती रहती है, साहिल करता रहता है। इसके इतने सारे स्ट्रैप्स ले आया है और सब कुछ चेंज करता रहता है जब देखो तब। लूसी अब ये उठ गई है। लूसी कितनी नींद में हो तुम, हेलो लूसी। ओके फाइनली अब जाकर मुझे ये लाइट मिली है। बहुत दिनों से मैं ये अपनी एलईडी वाली लाइट ढूंढ रही थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मिली थी एक्चुअली में। सो मम्मी ने सफाई करी आज तो ये मुझे फाइनली मिल गई। सो मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज़ माई आउटफिट। और बहुत ही प्यारा सा चिकनकारी का कुर्ता पहना है मैंने, इट लुक सो ब्यूटीफुल। और मम्मी भी हो गई रेडी, तो मैं और मम्मी निकल रहे हैं।
कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि फाइनली व्हाट आई गॉट फॉर माय निकाह. तो दिस इज़ वेरी स्पेशल, लाइक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी टाइम से इसको लेना भी चाहती थी, एक लॉन्ग नेकलेस सेट फॉर माय वेडिंग ऑफ कोर्स. ओके, लेट मी ओपन दिस. टाडा, ओके, दिस इज द नेकलेस गाइस. हाउ इज इट? सो बेसिकली ये मैंने एक लॉन्ग नेकलेस सेट लिया है, दिस इज़ रियल गोल्ड बेसिकली, बट आई लव दैट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. और बस आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, इसलिए आई थॉट कि ये वाली चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ. प्लीज़ इसको कोई भी ऐसा शो ऑफ, कोई दिखावा मत समझना, बस मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी आप लोगों के साथ करती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. और इतना तो कोई डिटेल्स नहीं बताने वाली मैं, बट दिस इज़ वेरी स्पेशल. और ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में कि ये कैसा लगा. तो चलिए फटाफट से हम खाना बना लेते हैं, और अभी रात हो रही है तो वैसे भी खाना खा के हम लोग सोने वाले हैं. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ. प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन नीचे है. तो यस गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, खुदा हाफिज़.